अब जो हमने करना बढ़िया नाम आते ही लोग डरते हैं, तो इसीलिए ये चीज को अलग अलग नाम से बेचा जाता है, जैसे माइंड पावर ट्रेनिंग। एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, मोटिवेशनल प्रोग्राम, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये अलग अलग नाम से इसको मार्केट में रखा गया है, बट अल्टीमेटली ये है हिप्नोसिस। अब हिप्नोसिस में और माइंड पावर में, एनएलपी में डिफरेंस क्या है वो भी हम देखेंगे, और क्यों सेल्फ हिप्नोसिस में हम उतना नहीं कर पाते जब तक तो कोई हिप्नोथेरेपिस्ट हम पे वो थेरेपी ना इस्तेमाल करें। ये भी चीज क्यों ऐसा है वो भी हम आपको यहाँ पर एक्सप्लेन यहाँ करेंगे। भी अटेंडमेंट नहीं, अटेनमेंट यहाँ बिल्कुल नहीं, है यहाँ टेक्निक है। हाँ, एक चीज जरूर है, इसको अटेनमेंट तो कहीं नहीं कह सकता हूँ, बट आपको हिप्नोटाइज करना पड़ेगा हमें, और हम आपको हिप्नोटाइज करके आपके माइंड में ट्रिगर करेंगे, वो जरूरी है कि आज के बाद आप ये काम कर सकते हैं। रेकी में भी अटेनमेंट में वही होता है, बट उसमें टेलीपैथी से होता है। यहाँ पर आपको एक बार ये करने से क्या होगा, एटलीस्ट आप जब भी वर्ड यूज करोगे तो ट्रिगर वहां पर होना शुरू होगा, तो वहां पर वो चीज ट्रिगर हो जाएगी, और ओवरऑल एक वेल बीइंग के लिए, ओवरऑल वेल बीइंग आपके लिए एक हिप्नोटिज्म भी मैं कराऊंगा, सेशन दूंगा, और वो रिकॉर्ड भी करके आपको दूंगा, तो जब भी आपको लगे, चाहे मेडिटेशन करे या ना करे, बट ये ईयरफोन लगा के, ईयरफोन मत लगाइएगा, क्योंकि आप जब पूरी बॉडी आपकी रिलैक्स होती है तो फिर वो ईयरफोन कान में लगेगा, फिर जब आप वो निकालोगे तो कान 2-3 दिन तक दर्द होते रहे, तो बेटर मोबाइल फोन अपने कान के पास रखते हैं, वॉइस ये वो कर सकते, स्पीकर, ब्लूटूथ स्पीकर स्पीकर है, बट आवाज शांत रखिएगा, कान में ज्यादा पड़े वैसा मत रखिए, क्योंकि नॉर्मल बोलने से हिप्नोटिज्म में और रिकॉर्डेड में क्या होता है, थोड़ा सा आवाज को कंट्रोल में रखना पड़ता है, अगर ज्यादा रख दिया आपने तो वो आपको वो लेवल तक आने नहीं देगा, एकदम काम शांत, और बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा। पर ये क्या चीज है, किस तरह से चलती है, वो बात हम चलते हैं और उस चीज को हम शुरू करते हैं, तो शैल वी स्टार्ट, ठीक है, तो गणपति बप्पा बहुत बोल। बढ़िया। अरे लीजिए, अरे प्लीज, बाद में नहीं, ठंडा हो जाएगा, मजा नहीं आएगा फिर। तो पहली बात तो ये है कि हम कभी भी अपने ब्रेन का 100% इस्तेमाल नहीं कर पाते, कोई भी है, मोस्टली जितने भी लोग आते हैं इस संसार में अपने ब्रेन का 100% इस्तेमाल नहीं कर पाते, और वो ऐसे ही मर जाते हैं, और जिन्होंने 100% इस्तेमाल किया है वो कुछ ना कुछ रिसर्च करके या कुछ खोज करके डिस्कवरी करके चाहते हैं, तो कभी भी हम 100% इस्तेमाल नहीं कर पाते। अब ये जब बात हमारे सामने आती है दो चीजों पे, क्योंकि ये बात ऑलवेज ऑलवेज आती है, ब्रेन क्या है और माइंड क्या है, ये दो चीजें, और हमेशा इस चीजों के बीच में ही हमारे अंदर कंफ्यूजन आता है, हम डिफाइन नहीं कर पाते ब्रेन क्या होता है, माइंड क्या होता है। ब्रेन और माइंड को समझने के लिए एक ही चीज बता दूं, ये जो आपके सामने लैपटॉप है ये है हार्डवेयर, ये है ब्रेन, और इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर चलता है वो माइंड। क्या सॉफ्टवेयर को आप समझ पाएंगे, क्या उसको टच कर पाएंगे, क्या उसको देख पाएंगे, ये कैसे काम करता है, कभी आप सॉफ्टवेयर को समझ पाएंगे? हाँ, हार्डवेयर काम करते हुए आपको दिखाई देगा, तो आपको हमेशा ब्रेन काम करते हुए दिखाई देता है, माइंड काम करते हुए दिखाई नहीं देता। इसका मतलब यह हो कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका जो ब्रेन है वो उसका हार्डवेयर है, और उसका जो माइंड है वो सॉफ्टवेयर, पर बच्चा जब पैदा होता है पहले दिन से लेकर के 9 महीने वो माँ की कोख में होता है, फिर वहां से लेकर के 12 साल की उम्र तक उसके अंदर का जो सॉफ्टवेयर है वो डेवलप होता है, अपग्रेड होता है, अपडेट होता है, फिर एक वक्त के बाद वो फर्दर अपग्रेड और अपडेट आसानी से नहीं होता है, नहीं नहीं होता है, तब कहते हैं ना मेच्योर होता हो गए, मेच्योर हो गए, 18 साल का हो गया,
मैच्योरिटी आ गई, उसके बाद वो बहुत मुश्किल होता है। ये नेचुरल अपग्रेडेशन होता है, नेचुरल अपडेशन होता है। एक दिन का बच्चा जो माँ की कोख में होता है वहां से डिलीवर होने तक, डिलीवरी के बाद 12 साल तक पर्सन जो छोटा बच्चा है वो अपना माइंड प्रोग्राम करता है, अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, अपग्रेड करता है, अपडेट करता है, प्रोग्राम करता है। मतलब ये हुआ कि माइंड को कोई समझ नहीं पाएगा। इवन आज भी जितने भी साइंटिस्ट या जो भी काम करते हैं न्यूरोलॉजिकली, वो ब्रेन को समझ पाते हैं, माइंड को समझ नहीं पाते हैं। माइंड को समझना बहुत डिफिकल्ट है। आप हार्डवेयर समझ लोगे, आपको सॉफ्टवेयर समझना बहुत मुश्किल। चाहे आप मोबाइल फोन यूज करिए, मोबाइल में जो ऐप है वो कैसे बना, कहाँ से आया, किस तरह से बनाया होगा, एक आम इंसान के लिए बहुत डिफिकल्ट है। और अगर कोई बना भी लेता है तो काम कैसे करता है वो एक्सप्लेन करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। कंप्यूटर में हमारा जो सॉफ्टवेयर है, यस, सॉफ्टवेयर बनाना आता है उसे, पर वो कैसे चलता है, किस तरह से चलता है वो कैसे, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। सॉफ्टवेयर रिपेयर नहीं होता है, नहीं, सॉफ्टवेयर कैसे रिपेयर होगा, उसको क्या करना पड़ेगा, करप्ट हो जाएगा या फिर उसको रिप्रोग्राम करना पड़ेगा। रिप्रोग्राम करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर के साथ एक वर्ड ऑलवेज यूज होता है, प्रोग्रामिंग। प्रोग्राम माइंड अगर नहीं चला बराबर तो फिर वो पर्सन पागल ही हो जाएगा, फिर उसकी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। माइंड प्रोग्राम होता है, इसलिए माइंड पावर ट्रेनिंग, माइंड पावर प्रोग्रामिंग, इस तरह से कोर्स डिजाइन किया जाता है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, न्यूरो वर्ड के अंदर ही ऑटोमेटिकली ब्रेन और माइंड की बात होती है, वो भी लिंग्विस्टिक प्रोग्राम वही है। मतलब अगर आपकी 12 साल तक प्रॉपर प्रोग्रामिंग नहीं हुई है या खराब प्रोग्रामिंग हुई है तो आप उसको कैसे बदल सकते हो, तो उसके लिए आपको हिप्नोटिज्म है, माइंड पावर है, एनएलपी है, वो एनालिसिस को, हाँ, यहाँ आके आप उसको सीख पाते हो, समझ पाते हो। जो साइकोलॉजिकल डिप्रेस्ड होते हैं उनके ऊपर भी ये यूज हो सकता है, हो सकता है, बट उसको कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज उसमें भी कुछ प्रॉन्स एंड कॉन्स है और कहीं कहीं पर वो यूज होता है, कहीं कहीं पर नहीं भी होता है। तो वो भी जो भी आपके मन में जो भ्रांति है इस चीज को लेकर के, तो वो भी मैं आपके सामने क्लियर करूंगा। बट पहले हम ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली क्या हम माइंड को ब्रेन से अलग कर सकते हैं। यस, ब्रेन, माइंड और ब्रेन को हम अलग कर सकते हैं। यस, माइंड अलग चीज है, ब्रेन अलग चीज है, हम दोनों को एक नहीं मान सकते। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों अलग है, मानते हैं कि दोनों मिल के काम करते हैं। माइंड के लिए प्लेटफॉर्म क्या है, ब्रेन। माइंड कहाँ काम करता है, ब्रेन पर काम करता है। अभी कैसे पता चलता है कि माइंड ब्रेन पर काम करता है, पावर सोर्स, यस, अभी एनर्जी, वेरी गुड। जब हम ईसीजी करवाते हैं, वैसे ईईजी होती है ब्रेन के लिए, तो यहाँ पर जब मशीन लगाए जाते हैं तो ब्रेन से आने वाली फ्रिक्वेंसी को वो बताता है, मतलब जो आपका माइंड जैसा होगा वैसा ब्रेन जो है वो एनर्जी को छोड़ता है, लाइव डिटेक्टर भी उसके ऊपर ही काम करता है। एग्जैक्टली, वो ब्रेन जो है वो फ्रीक्वेंसी छोड़ता है, एनर्जी छोड़ता है। इसके लिए बोलते हैं कि लाइव डिटेक्शन का जो है वो एविडेंस के रूप में क्यों नहीं मान सकते। एग्जैक्टली, क्योंकि कोई कोई ऐसे लोग है कि अपने माइंड को वो प्रोग्राम कर सकते हैं। एग्जैक्टली, सेल्फ प्रोग्राम कर सकते, सेल्फ प्रोग्राम करते हैं उसको। Exactly. इसके लिए एविडेंस में भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते लाइव डिटेक्शन। Exactly. नहीं, वो परफेक्ट बोला। इवन आपको मैं सिंपल बता दूं, हमारे बॉडी में हार्ट और ब्रेन जो है वो ज्यादा एनर्जी लेते हैं, कंज्यूम करते हैं। और जैसे आप देखिए रेकी मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, रेकी मेडिटेशन करते हैं तो सर पे आपको टिंगलिंग टिंगलिंग होना शुरू होता है, वो आप महसूस कर रहे हो, ब्रेन जो एनर्जी को बाहर निकाल रहा है, ब्रेन की एनर्जी को आप महसूस कर रहे हो। टिंगलिंग टिंगलिंग महसूस होता है, क्योंकि हम वो स्टेट पे पहुंच गए तो वहां पर वो रिकॉग्नाइज कर पाते, ब्रेन जो एनर्जी निकालता है वो आप वहां पर उसको महसूस करते हैं। एग्जॉस्ट हो रहा है, बाल हिलते हैं या बालों में कुछ
या ब्रेन में कुछ इस तरह से टिंगलिंग टिंगलिंग होना या बालों में कुछ इस तरह से गुदगुदी टाइप होना, तो ये एनर्जी रिवील करना होता है, एनर्जी रिवील हो रही है। आप इतने कॉन्शियस हो गए हो कि आप उस चीज को समझ पा रहे हो, वो एनर्जी को समझ पा रहे हो। इसलिए जब हम यहाँ पर बात करते तो हमारे सामने दो बातें होती हैं, क्या वेदर सच में यूनिवर्सल एनर्जी हमारे सबकॉन्शियस क्राउन चक्र में एंटर होती है, क्या ये एनर्जी हमारे भीतर से ऊपर जाती है, ये हमेशा क्वेश्चन मार्क होता है। बट कहना यहाँ पर ये है कि एनर्जी आती जरूर है, बट हम एक ऐसे स्टेट पे जाते हैं तो हम उसे अनुभव कर सकते हैं। रेकी अनुभव कब होती है? जब आप अटेनमेंट करते हो या फिर आप मेडिटेशन करते हो। मेडिटेशन करोगे तो वो शक्ति एनर्जी आपको महसूस होगी जो पूरे शरीर में फ्लो होती है। अनदर मैं एक एग्जाम्पल जो आपको दे रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा कि हमारे सॉफ्टवेयर मोबाइल में अगर सॉफ्टवेयर करप्ट है या सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, मोबाइल हैंग होता है, तो जो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है और जो भी फिजिकल डिसऑर्डर होता है कहीं ना कहीं पर वो माइंड के प्रॉब्लम की वजह से होता है, ये फैक्ट है। अब वो कैसे, तो पहले मैं आपको माइंड के दो पार्ट को पहले बता दूं, उसके बाद ब्रेन के दो पार्ट को बता दूं। पहले माइंड का जो पार्ट है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, तब आपको मैं बता पाऊंगा कि किस तरह से हर फिजिकल मेंटल प्रॉब्लम की वजह माइंड होता है। हमारा जो माइंड है, ठीक है, माइंड दिखने में कैसा वो नहीं पता है, बट मैं यहाँ पर ऐसे बताता हूँ कि ये एक समंदर है, समंदर का पानी, उस पे एक बर्फ का पहाड़ आपको दिखाए, बर्फ का पहाड़ जितना ऊपर होता है 90% नीचे होता है, नीचे होता है 10% भी ऊपर दिखता है या लेस देन 10%। तुरंत सोलर सिस्टम यूज करते हैं, हमारा माइंड भी कुछ ऐसा है। अगर मैं 100% इस माइंड को कंसीडर करता हूँ, 10% और 90% को अगर हम यहाँ पर बाइफरकेट करते हैं, 10% जो माइंड है वो हमारा कॉन्शियस है, 90% जो हमारा माइंड है वो सबकॉन्शियस है। अब जैसे आप मोबाइल की भाषा में समझे तो मोबाइल फोन में ये रैम है और ये रोम है। रैम होता है टेम्पररी मेमोरी और ये होता है परमानेंट मेमोरी। आजकल मोबाइल फोन कैसे 4GB रैम, 64GB रोम, 2GB रैम, 64GB रोम। तो कॉन्शियस माइंड जो है वो रैम है, टेम्पररी मेमोरी, सबकॉन्शियस माइंड जो है वो रोम है, इट इज परमानेंट मेमोरी। हाँ, अंटिल और अनलेस करप्ट कहीं पर भी नहीं होना चाहिए तो मोबाइल फोन स्मूथली चलेगा। अब देखिए यहां पर ये जो 10% कॉन्शियस माइंड है, अभी आप यहां बैठे हो, मेरी बातें सुन रहे हो, लॉजिक लगा के सुन रहे हो, तो आप कॉन्शियस माइंड से हो, जागृत हो। सबकॉन्शियस माइंड को अर्ध जागृत या फिर मैं अवचेतन भी कहूं, अवचेतन मन, और इसको कहूंगा मैं चेतन मन। आप अवचेतन से चेतन अवचेतन आपको अच्छा लग रहा है या जागृत अर्ध जागृत? चेतन अवचेतन। तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं आप पे चेतन अवचेतन क्या प्रयोग करूंगा पहले ही पूछ लेते हैं क्योंकि बहुत फर्क पड़ता है, या कॉन्शियस सबकॉन्शियस, कॉन्शियस सबकॉन्शियस अगर मैं प्रैक्टिकल में बताऊंगा तो बोलने में कभी कभार हम गड़बड़ कर सकते हैं। चेतन अवचेतन बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकल जब हम करेंगे तो चेतन अवचेतन का यूज हम ज्यादा करेंगे। तो 10% हमारा चेतन मन है और 90% हमारा अवचेतन मन। चेतन मन कुछ नहीं करता है, सब लॉजिकली सोचता है, और अभी आपने जैसे मेरे सवाल का जवाब दिया, चेतन अवचेतन बोला आपने, दैट मींस आप चेतन मन से है, चेतन मन से हम सब कुछ करते हैं। अब मैं अभी
पढ़ा रहा हूँ चेतन मन से, पढ़ाते पढ़ाते डूब गया तो अवचेतन मन मेरा चालू हो जाएगा, वो फिर मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा मैं क्या कर रहा हूँ। कार ड्राइव करना शुरू किया चेतन मन, फिर चेतन मन के साथ आपका अवचेतन मन जुड़ जाता है। अगर आप रेगुलर रोड पे गाड़ी चलाते हो तो कब स्पीड ब्रेकर आने वाला है आपको पता नहीं, आप बात भी कर रहे हो या आपका ध्यान नहीं, आप कुछ सोच रहे हो गाड़ी चला रहे हो, पर पता नहीं आपका जो पैर है वो सीधा ब्रेक पे चला जाएगा, ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाएगी, फिर आप बोलोगे अच्छा स्पीड ब्रेकर भी आ गया। पर हम ये चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। कभी कभार ये भी होता है कि हम गाड़ी चला रहे हैं, हम अवचेतन मन में डूब गए, कुछ सोच रहे हैं, किसी और विचार में डूब गए, चार रस्ते आ गए, कहीं से एक अचानक गाड़ी आने वाली रहेगी, पर पता नहीं आपका पैर ऑटोमेटिकली ब्रेक पे चला जाता है और बोलते हैं थैंक गॉड मैंने ब्रेक मार दी, अदरवाइज टक्कर हो जाती कोई गाड़ी आने वाली चार रस्ते लाइक आप ऐसे चार बजे। तो ये अवचेतन मन बहुत 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 पावरफुल होता है। अब चेतन मन जो है वो, जैसे अभी मैं यहाँ पर डस्टर लूंगा, मैं सर यहाँ रफ कर रहा हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं हेलो हाई कर रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, दैट इज चेतन मन। अवचेतन मन क्या करता है, हमारी डाइजेशन सिस्टम चलती है ऑटोमेटिकली, हमारी श्वसन प्रक्रिया सांस अंदर आना जाना, हमारा ब्रेन चलता है, हार्ट बीट चलती है, हमारा शरीर चलता है, कैलोरीज बनती है, ब्लड बनता है, ये सब करता कौन, ये कौन करता है, अवचेतन मन। चेतन मन से हम क्या करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, देखते कुछ काम करते हैं, खाते हैं, खाना तो चेतन मन को ही करना पड़ेगा, पचाने का काम अवचेतन मन करता है, तो क्या अवचेतन मन को बोलना पड़ता है कि भाई पचा लेना आज मैंने खाना खाया है, आज वो मावशी का नाम आपने क्या पता उसके घर का वो पेज खाया है पचा लेना बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते हम, क्योंकि अवचेतन मन प्रोग्राम्ड है, अवचेतन मन प्रोग्राम है। इसलिए देखिए कि अगर कोई पर्सन वेजिटेरियन है तो वो तुरंत नॉनवेज खाएगा तो उसको वो वॉमिट कर देता है, हम ये नहीं बोल सकते कि भाई क्या चोच ले, क्योंकि उसका अवचेतन मन उस चीज को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोग्राम नहीं है, इसलिए उसको वॉमिट हो जाती है। फिश की स्मेल आते ही वो वॉमिट करने लगते हैं, हम बोलते हैं क्या नखरे हैं इनके, नखरे नहीं है, उनका अवचेतन मन ये चीज के लिए प्रोग्राम नहीं कर चुका है। अब जो खाते हैं उनके लिए तो प्रोग्राम है। सो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर किसी पर्सन को फिजिकल लेवल पर कोई प्रॉब्लम है तो ये किसका फेलियर है, मुझे बताइए। अवचेतन मन का फेलियर। कोई कहता है कि मुझे डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, कोई कहता है मुझे कॉन्स्टिपेशन है, कोई कहता है डायबिटीज, तो किसका फेलियर है, अवचेतन मन का फेलियर। प्रोग्राम शायद गलत हो चुका है और अवचेतन मन वो चीज को अपनाने लगा है, सिंपल सा वो चीज। सो इसके लिए धर्म में भी बोला है कि हम लोग भी बोलते हैं ऐसा कि शाम के वक्त घर में कुछ बुरा नहीं बोलना, क्योंकि घर तथास्तु तथास्तु बोल रहे थे तो प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिकली 6 महीने में हो जाती है। एग्जैक्टली आपने बोलत नहीं कर रहा मैं आपसे एक चीज पूछना था, अभी ये जो मतिमंद बच्चे रहते हैं तो उनका नहीं कर सकते है, वही मैं आपको बताऊंगा ना, हम वही बताएंगे आपको कि जो भ्रांति आपके मन में फैली हुई है वो सब गलत है, सब गलत है। इसीलिए वो जो डोंबिवली का लड़का है उसको हिल करना हिप्नोटिस्ट का काम नहीं था, पर हम उनको ये नहीं बोल सकते कि हिप्नोटिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड कोड कर लिया। इसके लिए उनको मेडिकल एलोपैथी दवा ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अब सॉफ्टवेयर चल नहीं पा रहा है तो अब हार्डवेयर पे हम जोर करेंगे, अगर सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा तो आप तो माउस को पटकोगे किसको पटकोगे, अरे क्या सॉफ्टवेयर नहीं चला, घटिया सॉफ्टवेयर है। अब मान लीजिए कोई आप कोई भी ऐप चला रहे हो, ऐप नहीं चलेगा तो क्या करोगे, मोबाइल पटकने को ही मन होगा, तो उन लोगों के लिए फिर हार्डवेयर पे ही काम होता है।
ब्रेन कुछ रिलीज होने देता है कुछ चीजें माइंड को कंट्रोल करने के लिए, वो हार्मोन्स छोड़ता है, तो शायद उससे फर्क पड़ता है। नहीं भी कर सकता है, बोल नहीं सकता, अब उधर उधर उसमें क्या काम आता है, उधर सिर्फ रेकी काम आता है, क्योंकि हमने उसको एनर्जी दे रहे हैं, वहां रेकी काम कर सकता है, क्योंकि हिप्नोटिज्म नहीं कर पाएगा वो, हम आप आगे देखेंगे जब आप खुद ही कह रहे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि किसी को हम मन बुद्धि को हम कैसे मन बुद्धि वाले को कुछ नहीं कर सकते, हिप्नोटिज्म में कुछ रेकी कर सकते, रेकी कर सकते क्या, सिर्फ एनर्जी से वो हील हो सकता है, बाकी हमारे एक दोस्त है सुहास ओक करके, आपने जस्टिस ओक नाम सुना है, अभय ओक, अभय ओक नाम, जस्टिस अभय ओक अब ये हाई कोर्ट में जज है, तो उनके भाई का लड़के की बात, तो वो लड़का है ना, तो वो 10-11 महीना ही नहीं कर रहा, रही का 16-17-18 के आसपास रहेगा, बट उसको बोल देंगे ना इधर से चलते जा, तो वो चलते ही जाएगा, किधर जाने का वो नहीं पूछेगा। ओके मतलब वो पर बाकी समझ में तो आता है ना, सब कुछ बोलता है, हां तो वो हो सकता है, वो ट्रिट हो सकता है, इसके लिए क्या उन्होंने क्या किया, बिल उस पे क्लास निकाल के दिया, खाना नहीं देते हो तो काम उसको कुछ कंडक्ट एक काम देगा तो बस वही काम वो सिर्फ करेगा, उसको मतलब दूसरा बोलेगा तो कुछ नहीं करता, इस ढंग का सर। सेकंड आपने ये इस पे लिखा रहेगा या पेपर में भी पढ़ा रहेगा, एक 2 या 3 महीने पहले पुणे का बिजनेसमैन, उसने क्या किया, उसने क्या किया, सब मती बंद, फैमिली को कांटेक्ट किया, हॉस्पिटल को कांटेक्ट किया, जो लेबर थे सब मती बंद बच्चे लिए, उनको प्रॉपर ही 6 महीना सिखाया कि तुझे ये करना है, लेबर्स को आज नहीं बोलोगे तो 6,000 मती बंद बच्चों को जॉब देके काम करता है, वो तरीका That is different. वो hypnotize नहीं कर सकते। सर उसमें सुनो ना, उसमें ऐसा है कि मशीन इतना परफेक्ट नहीं बना सकते उतने वो मतिमान बच्चे बनाते, इतना परफेक्टली उसका जो तरीका है, मतलब देखिए अब क्या है, माइंड आपको समझना है कि सामने वाले का माइंड क्या है, और आपको उसी की भाषा में वो सॉफ्टवेयर को उसी सॉफ्टवेयर की भाषा में कोडिंग करनी है, बट आप मतिमान बच्चों का हिप्नोटिज्म करके आप उनका प्रोग्राम बदल नहीं सकते, नहीं। वो मतिमंदी रहेंगे, पर उनको आपने उनको उसी उन्हीं की भाषा में उनको सिखाया, ये बोलते ना एक अलग डिफरेंट कोर्स है, ये कोर्स होता है उसमें अलग कोडिंग करी जाती है, मतलब उनको कोडिंग मतलब कैसे, हिप्नोटिज्म में माइंड पावर से नहीं हो पाएगा, रेकी या फिर वो तरीका होता है इनके साथ कैसे बात करे, ये जिस भाषा में समझते हैं उन्हीं को उसी भाषा में समझा, और ठीक नहीं हो सकते, आम इंसान की तरह नहीं रह पाते, बिकॉज वो उनका माइंड जो है वो कहीं ना कहीं पर वो चीज के लिए कैपेबल नहीं है। हिप्नोटाइज्ड हम उसी को कर सकते हैं जो मानसिक रूप से सक्षम है और जो चाहता है कि मैं हिप्नोटाइज्ड हूं। अभी से एग्जांपल अगर हम अभी आपको करेंगे, आप सरेंडर नहीं करोगे तो आपको हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए लोग कहते हैं कि उसने हिप्नोटाइज कर दिया, नॉट पॉसिबल, क्या उन्होंने सरेंडर किया तो हिप्नोटाइज हो, अगर सरेंडर नहीं किया तो नहीं हो पाएगा, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरे मेडिटेशन में खो क्यों जाते हो, क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया, अगर सरेंडर नहीं करोगे तो थोड़ी कुछ होगा, नॉट पॉसिबल, आपको जो चीज दिखती है या आपको आंखें बंद हो गई आप नींद में चले जा रहे हो, सही है, बहुत अच्छा है, मतलब मेरा मेडिटेशन काम आ रहा है, आपने सरेंडर किया, और वो सरेंडर नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा। देखिए किसी इसीलिए दिखा रहेगा, किसी के अंदर देवी आती है पर कुछ अलग म्यूजिक बजता है तभी आती है, प्रोग्राम है वो, प्रोग्राम है उसका, और उस वक्त पे उसके साथ बात करने के लिए आपको उसी की भाषा में समझाना पड़ेगा, वो एक्चुअली में देवी है कि नहीं पता नहीं, पर उसके साथ बात करनी पड़ेगी, अरे देवी माँ आप प्रकट हुए तो बोलेंगे हाँ क्या है, तो उसको उसी की भाषा में समझाना पड़ता है, वहां हम प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, अदरवाइज वो जो चीज उसके मन पे आई है वो उसी को हार्म कर देगी।
हाथ पटकेगा या पटकेगी या कुछ आग में हाथ डाल देगा, तो उसको उसी की भाषा में उस वक्त बात करनी पड़ती, उसी की भाषा में। तो हिप्नोटिस्ट या माइंड पावर ट्रेनर किसके लिए होते हैं? जो पर्सन समझदार है और जो अपना माइंड का यूज करते बखूबी, हम सब के लिए ये चीज बनी है। बट अगर किसी का माइंड प्रॉपरली काम नहीं करता, हाँ पहले अच्छा था फिर कुछ हुआ, तो हम वहां पर कोशिश कर सकते हैं, पर जब तक वो सरेंडर नहीं होगा तब तक नहीं हो पाएगा। अब जैसे वो जो आए थे उनके लड़के को मैं हिल कर रहा था तो अंडरटेकर की तरह खड़े हो जाता, तो नॉट पॉसिबल फॉर अस। वो उठ जाता था तुरंत, इट मीन्स वो रेडी नहीं है वो चीज के लिए। अब इसमें क्या होगा कि इसको जब तक एलियोपैथी दवाई ना दी जाए, इसको नॉर्मल सिचुएशन पे ना लाया जाए, तब तक उस पर किसी भी टाइप की नेचुरल हीलिंग काम नहीं कर सकता। बहुत डिफिकल्ट है बहुत। और अगर किया आपने, जैसे कर सकते हैं, अब जैसे इनके मौसा जी आए थे तो उनको हाई लेवल की एंजाइटी डिसऑर्डर थी, डर लगता है तो उनको तुरंत यूरिन में भागना पड़ता है, यूरिन हो जाता है, हाई लेवल की एंजाइटी डिसऑर्डर। उनको यहाँ पर खड़े खड़े 15 मिनट में मैंने हिप्नोटाइज किया, और वो जब आए तब बोल रहे थे क्या है विशाल, कौन है ये, आप लोग जबरदस्ती लेके आए हो वगैरह। जाते जाते वो बाहर खड़े रहे, मैं वॉशरूम गया, जब तक मैं नहीं मिला तब तक वो गए नहीं, मतलब उनको कमाल लगा। पर मैंने उनको बोला कि आप सरेंडर हो जाइए प्लीज, जब उन्होंने शुरुआत में नहीं हो रहे थे, पर उसी वक्त मैंने बोला कि प्लीज आप अपने भले के लिए जाइए, हिप्नोटाइज हो जाइए भले के लिए, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। फिर उनको वो फल मिला, फिर उनको लगा हाँ मुझे अच्छा लग रहा है। पर पहले 5 मिनट तक तो मैं परेशान था क्योंकि सांस फूल रही है, हिल रहा है, कुछ हो रहा है। मैंने बोला यार इनको कैसे समझाओ कि प्लीज सरेंडर हो जाओ मुझे, जब तक आप सरेंडर नहीं होगे तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं, नॉट पॉसिबल एट ऑल, बिल्कुल। हाँ बच्चे जब सोए हैं तो 12 साल से कम बच्चे, तो हम उनके कान में कुछ भी बोल के हम उनको प्रोग्राम कर सकते, बिल्कुल, क्योंकि उनके माइंड की प्रोग्रामिंग ये होती है कि पिता और माता जो बोलते हैं वो सही होता है, तो उनका सबकॉन्शियस माइंड ये बात को सुनता है। तो बच्चों को प्रोग्राम करना हो तो तुम बहुत होशियार हो, तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो, तुमने ये कर दिया, वो सोए तभी उनके कान में जाके बोल देना। हाँ आराम से वो कैसे काम करता है, वो चीज वो क्यों काम करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, व्हाई ये ऐसे क्यों काम करता है, रीजन आपको पता चल। आराम से, इवन प्रेग्नेंट वुमन होती है तो देखिए, अभिमन्यु जब सुभद्रा के पेट में था, कृष्ण भगवान ने उसको चक्रव्यूह बताया था, अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाना पता था, कैसे पता था? नहीं सर ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये चीज। श्रावणी सर मेरी बड़ी लड़की है ना, तो वो टाइम पे मैंने मनोनाइज करके है ना कोर्स किया था हिप्नोटिज्म का, तो मैं चलो देखते एक मजा के तौर पर, जब भी वो पेट में थी तभी मैं उसको हील करता था, बात करता था उससे। अभी ऐसी कंडीशन हो गई है कि उससे मम्मी से झगड़ती है, मैं बोलूंगा ना चाने ये कर, तो तुरंत जाके कर देगी, वही उसकी मम्मी बोलेगी ना वो नहीं करेगी। रियलिटी में ये फर्क है, और उधर बहुत क्विक फर्क आता है, बहुत क्विक। वो भी क्यों, वो भी मैं आपको बताऊंगा, रीजन आपको बताऊंगा, क्योंकि अपना एक ही बात है, आपको समझ में रीजन आया, रीजन समझ में आएगा तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। आज अगर आप किसी को हील कर पाते हो कॉन्फिडेंस है, बिकॉज आपको रीजन पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस वजह से कर रहा हूँ। वजह अगर पता हो तो बहुत मजा आता है, वजह पता होना जरूरी है। चार्जिंग बैटरी से रिमोट, अब मैं आपको एग्जांपल एलिफेंट का देता हूं, हाथी। आप रानीबाग गए हो कभी? हाथी को उन्होंने रस्सी से बांधा होता है, रस्सी से, एकदम इतनी हल्की रस्सी होती है कि अगर वो जोर से खींचे भी ना तो रस्सी टूट जाएगी, बट वो ट्राई नहीं करता है।
क्योंकि जब वो छोटा था तब उसको लोखन की जो चेन होती है ना उससे उसके पांव को बांध के रखा होता है, वो बहुत भागने की कोशिश करता है, उसको बहुत लगता है खून निकलता है, तो उसका माइंड कंडीशनल हो गया कि जो मेरे पैर में जो बांधा है उसको मैं कभी तोड़ नहीं सकता। फिर जब बड़ा होता है तो खाली रस्सी भी बांधी होती है, पर उसका माइंड देखिए वो तोड़ के भागता नहीं, वो वहीं खड़ा रहेगा। तो सोचे कि यार इसको ये ऐसी रस्सी बांध के रखी, आप देखिए कभी आप कहीं जू जू वगैरह में जाओगे तो आपको पता चलेगा एकदम छोटी सी पतली सी रस्सी बांधी होती है, जब बच्चा होता है तब उसको साखली बांधी होती है, तो जब वो चेन बांधी होती है तो वो बहुत कोशिश करता है, बहुत 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 कोशिश करता है, खून निकलता है, उसका माइंड इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं ये नहीं तोड़ सकता हूँ। फिर जब वो बड़ा होता है धीरे धीरे वो साखली निकाली जाती है, रस्सी बांधी जाती है, वो रस्सी तोड़ने की कोशिश नहीं करता है क्योंकि माइंड बदल गया है। वैसे हमारी सोसाइटी हमारे माइंड को कंडीशनल कर देती है। कंडीशनल मतलब वो कि एक बात हमारे दिमाग में डाली जाती है कि भाई टीचर का बेटा टीचर, अब जैसे आप लॉयर क्यों हो पिताजी को देख के, कंडीशनल है, कंडीशनल शायद इन्होंने बचपन से बोला होगा अरे ये तो लॉयर बनेगा, ये भी लॉयर, या मन में होगा तो टेलीपैथी हो जाएगा, या आपने बचपन में जब बड़े हो रहे थे तो आपकी मम्मी ने शायद प्रोग्राम की होगी। देखिए होता क्या है, मैं आपको बावलट, एक वो लेडी क्या बोलते थे अपने बच्चे को, बावलट बावल या बावलट देखिए मेरा बेटा है बावलट और हाँ कितने खाउदरा है। अब वो हम एक जगह पर गए थे ना तो हम दोनों फटक गए थे, एक साल के अंदर का बच्चा है और बोलते हैं कि बावलट हावरट नहीं रहेगा, बावलट हावरट रहेगा, हावरट है और बावलट मतलब बावलट है कुछ तो बोला बावलट बावलट समथिंग, और हावड़ा बोलते हैं ना हावड़ा है करके खाना खाते हैं आप, पूरा हावड़ा है बोले कितना दूध पीता है मेरा इसको बोल रहे थे। अरे फिर अब क्या बोलते पता, नजर लग गई या फिर वो आगे जाके दुक्कड़ी बनेगा, उसको बच्चे को बोला है कि भाई तू पागल है और तू भुक्कड़ है तो बड़ा होके क्या करेगा, स्कूल में जाएगा तो किसी का टिफिन चुराएगा, बेड़ा बन के काम करेगा, पागलपनी करेगा। तो ये समझते नहीं है पेरेंट्स, जब आप अपने बच्चे को कुछ बोलते हो तो उतना ऐसे मत बोलो, वो बैठ जाता है उनके दिमाग में। आपने अगर गाली दी तो गाली उनके दिमाग में बैठती है और उनका माइंड उस चीज का इंटरप्रिटेशन करना शुरू कर देता है और ये सीधी असर फिर उसके व्यक्तित्व में आती है आगे जाके। जैसे मैंने हाथी का एग्जांपल दिया क्योंकि ये सारी चीज रैम में नहीं है, रोम में है, मतलब अवचेतन मन में चली जाती है। 12 साल के उम्र तक के बच्चों का अवचेतन मन बहुत पावरफुल होता है, तो जो भी सुनते हैं वो सीधा अवचेतन मन में चला जाता है। वो मैं आपको भी थोड़ा प्रोसेस के साथ बताता हूँ, बट मैंने जो हाथी वाले किस्से से आपको ये पता चला कि सोसाइटी में जो लोग होते हैं वो लोग हमारे माइंड को प्रोग्राम करते हैं। सेकंड एग्जांपल से रूढ़ी एंड परंपरा भी हो सकता है, ये रीजन तो पता नहीं रहता करने के पीछे रीजन बोला है, खाली बोला है। अब मैं आपको बता दूं आज का जो व्रत है उसका महिमा क्या है, को तिथि को आपको खाना बनाना है, आज आपको चूल्हा नहीं जलाना है और कल रात को चूल्हा ठंडा कर देना है। अगर ऐसा नहीं करते तो माँ के जो संतान होती है उसको कुछ भी होगा, स्टोरी भी है बच्चा मर जाता है। अब ये जो स्टोरी है वो हम बच्चे थे तब से सुनते आ रहे हैं, तो हमारे अवचेतन मन ने वो बात को एग्री कर लिया। अगर हम रामधन छठ को खाना बना के सातम को ठंडा नहीं खाएंगे तो घर में कुछ ना कुछ नेगेटिव होगा क्योंकि अवचेतन मन ये बात को प्रोग्राम कर चुका है। अब देखिए आपके घर में सुबह आप चाय बनी रहेगी जबकि यहाँ नहीं है, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे प्रोग्राम देखिए आपका क्या है। कैसा करते हैं अगर हम समझा नहीं बनाना तो क्या करते हैं
कल करता हूं चाय ज्यादा पी नहीं सकते और थर्मोसों के रख सकते पर मजा और फीमेल तो गरम खा ही नहीं सकती बाहर का भी आज बना हुआ आज का नहीं खा सकती ये प्रोग्राम है कंडीशन और ये होता ही है अभी देखिए गणपति लाते तो उसमें भी बहुत डराया जाता है डेढ़ दिन का लाना है डेढ़ फीट का लाए तो फिर नेक्स्ट टाइम एक फीट का नहीं ला सकते हो फलाना होता है हमारे घर में भी दो फीट हो गया बोले क्या हर साल को हमारा 20 साल है इस बार 20 साल है पर हमारा कभी भी एक बार हमने 3.5 फीट का लेके आया है मूर्ति जैसी अच्छी लगती है वैसे लेके आते हैं और इस बार हमने हमारी लाइफ में सबसे सस्ता गणपति इस बार लेके आया क्योंकि हमको छोटा गणपति हमारी बच्चियों को अच्छा लगा तो हमारा बजट क्या होता है 5.5 से 7.5 के बीच में तो उनको वही अच्छा लगा पर हम लोगों को सिद्धि विनायक लेना था वो कुछ बड़ा कोटेशन था 600-800 का कोटेशन था मस्त मूर्ति थी इतनी बड़ी और बहुत अच्छा लगा था बट बच्चे बोलते नहीं ये लाल वाला हमको अच्छा नहीं लगता है हमको कृष्ण भगवान वाला तो कोटेशन निकला तो 2200 अब मैं और मेरा भाई दूसरे के सामने देखते कि क्या करना बोले ना वो लेना फिर मैंने क्या बोला देख बच्चे ही सब कुछ करते छोड़ो जाने दो फिर हमने इस बार हमारी लाइफ में सबसे सस्ता गणपति बुक किया वही व्हाट्सएप पे पर जोक्स वही आया था कि एक बंदे ने डेढ़ दिन का गणपति घर पे लेके आया और वो मन्नत मांगने के लिए सिद्धि विनायक के इधर दो दिन तक लाइन में खड़ा तो घर का वाला गणपति मेरे पे भरोसा नहीं में वो लालबाग का दर्शन के लिए जाते लोग और यहाँ पर गणपति तैयार बैठे आएगा लालबाग का प्रथम दर्शन करके आएगा उसके बाद हम पूजा करेंगे हमारे घर पे 11 दिन का आता है बट पहले ऐसा था कि हम 5 दिन 6 दिन 1.5 दिन 5 दिन 6 दिन 7.5 दिन ऐसे फिक्स नहीं था इस बार किसको छुट्टी ज्यादा है ठीक है 7 दिन इस बार छुट्टी किसी को नहीं है 1.5 दिन क्योंकि मेरे पिताजी ने प्रोग्रामिंग ऐसे किया था तो फिक्स नहीं था बट फिर एंड में फिर हम लोगों ने बोला नहीं अभी यार वो छोड़ो आस्था में ऐसा मत करो 5-6-7 दिन अब हम 11 दिन ही करेंगे 2013 से 11 दिन कर दिया 2013 में उसमें भी ये था पिताजी एक्सपर्ट हो गए तो गणपति नहीं ला सकते मरने दो लेके आएंगे 2013 में फरवरी में एक्सपर्ट सितंबर में गणपति आए वो कौन ध्यान में रखता है और हम लेके आए और उसको 11 दिन का रखा फिर वो मेरे भाई थे उनको उनकी वाइफ को कंसीव हो गया फिर हमने बोला अभी 11 दिन ही रखो खत्म करो वो टाइम पे हम बालाजी का लेके आए थे तो ऐसा मन में नहीं डाल सकते बालाजी का ही लाना है सारी मन्नतें पूरी हो गई था कुछ नहीं तो डिपेंड करता है जो अच्छा लगा वो करो बट हमारी माइंड प्रोग्राम क्या होती मैं किसी की बात मेरे काकी है ना वो महाराष्ट्र के बीच में थे तो गणपति दर्शन करने के लिए आते हैं तो उधर तुमने गणपति के पास ये नहीं रखा है वो नहीं रखा है नाराज हो जाएंगे इतना इरिटेशन होता है मैं उनको बोलता हूँ गुस्सा मत करो मैं जाके वो जो बोलते हैं वो लेके आता ठीक है छत्र नहीं लगाया है ऐसा थोड़ी ना चलता छत्र पे ये लगाओ सुनो मैं करके लेके वो जैसे जाती है ना वैसे निकाल देता जैसे गई गए नीचे उतरे रिक्शा पकड़ी वही ना सर अभी ये इधर अपना आदर्श के इधर भी 6000 की मूर्ति और 3.5-4 लाख का डेकोरेशन मतलब और हम लोग डेकोरेशन करते ही नहीं हम तो सीधा वो रख देते हैं बहुत मूर्ति अच्छा लेके आओ उसको आभूषण लगा दो खत्म हो गए कोई आया तो ऐसे लगना चाहिए कि बैठा ही है वही गणपति बैठा बट वो माइंड कंडीशनल है मैं आपको उसके लिए एक बुक है रिच डैड एंड पुअर डैड खरीदने की जरूरत नहीं रिच डेड एंड पुअर डेड अमीर बाप गरीब बाप एंड पुअर डेड ये पूरी बुक में क्या है मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ पढ़िएगा मैं मेरे पास किंडल में पढ़ा है अदरवाइज मैं आपको देता हूँ बहुत सिंपल है दो दोस्त है एक अमीर बिजनेसमैन का बेटा और एक गरीब तो नहीं बोल सकते बट एक
गवर्नमेंट जॉब में काम करने वाले व्यक्ति का बेटा, रॉबर्ट कियोसाकी, कियोसाकी ऑथर है, रॉबर्ट कियोसाकी की बात है जिसने ये बुक लिखी। रॉबर्ट कियोसाकी के पिताजी जो थे वो जॉब वाले थे, तो उसको हमेशा कहते थे बेटा बिजनेस वाले नहीं हम, जॉब करो सिक्योर रहो, जॉब करो सिक्योर, बिजनेस में कुछ नहीं है, बहुत रिस्क होता है, और हमारे घर में तो क्या है कोई बिजनेस वाला नहीं। जबकि उसका जो फ्रेंड था उसके पिताजी बोलते बेटा क्या है, क्या नौकरी, हम नौकर नहीं है, रिस्क ले रिस्क, एक का सो करेगा। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने क्या करा कि उनके फैमिली बैकग्राउंड में कोई बिजनेसमैन नहीं था, इन्होंने अपने पुअर डेड की बात नहीं मानी, और उनका जो फ्रेंड था ना उसके पिताजी को रिच डेड मान लिया, और वो उनके पिताजी की, उसके फ्रेंड के पिताजी की पूरी बातें मानने लगा। हुआ क्या, रॉबर्ट कियोसाकी बहुत बड़ा रियल एस्टेट वाला बन गया, रियल एस्टेट में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट उसका हो गया। तो उसने, वो प्रेरित होकर उसने बात बताई कि मेरे दो बाप थे, एक गरीब और अमीर, और मैंने अमीर बाप की सुनी, गरीब बाप की नहीं सुनी। शॉर्टली यही है इस बुक में, पूरा पढ़ने के बाद यही सारा। और वो फिर जो इंडस्ट्री वाले क्या रहता है वो भी बना, वो उसका तो बाप का बिजनेस ही था, पर कहना ये था कि ये देखिए कहाँ नौकरी करने वाला वो कहाँ रियल एस्टेट वाला। हाँ, अपने मजे नहीं मर सकता महाराष्ट्र के मान उसका घर नहीं बन सकता। हाँ, की करते नहीं, हमारे में भी है कि हमारा जो हमारी कम्युनिटी है उसमें हम गुजराती कम्युनिटी ऐसी है जो धंधा नहीं करती, हम नौकरी वाले, मतलब हमारे जो थे पूर्वज वो भी राजा महाराजा के वहां पर नौकर बनके काम करते, दरबार बोलते, लड़ने का काम करते थे। तो अब इनके इनके वाले क्या करते, इनके वाले सब बिजनेसमैन, इनके पिताजी के वहां पर कोई नौकरी काम नहीं करेगा, बोलते कि नहीं हम तो धंधा करने के लिए पैदा हुए। इनके पिताजी कहाँ नौकरी कर पाते, 10 धंधे बदले रहेंगे उन्होंने, पर उनके मन में क्या है पता है, हम नौकरी नहीं कर सकते, हम तो धंधा करने के लिए पैदा हुए। और जब हमको होता है तो हम क्या होते हैं भाई, हम किसी के लिए काम अच्छा कर लेते हैं, ये इंस्टीट्यूशन जो है उसके मालिक वो है, इसलिए मैं अच्छा काम कर लेता हूँ क्योंकि मैं एम्प्लॉई हूँ उसका। पर अगर ये सब कुछ खुद पे हो तो माइंड प्रोग्राम है, साइकोलॉजिकल है, तो ये प्रॉब्लम, ये हाँ मैंने सेल्फ हिप्नोसिस से बहुत इसको दूर किया, बट मैं यही मानता हूँ कि नहीं, अब मेरी प्रोग्रेस इसी के नाम से हुई है, सो मैं हमेशा वो बैठ जाता है दिमाग। लेकिन सही और इसी तरह से गरीब घर से आई, लेकिन हमने हमको टॉप पे लाया, टॉप पे लाया, राइट। मोटिवेशन होता है ना वो, और सपोर्ट एंड मोटिवेशन, ये भी सबकॉन्शियस माइंड में बहुत 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 काम करता है। सो ये जो मैंने रॉबर्ट कियोसाकी की बात करी, ये एलिफेंट की बात करी, अभी कैसे काम करता है वो तो मैं अभी बताऊंगा ही आपको, क्योंकि एकदम फटाफट बता दूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा। अरे हाँ, ओके, ओके।